हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी, उसकी थ्री साइड्स गिवन है ए बी और सी, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड वन, हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। ये डेल्टा का साइन एरिया का होता है। एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर, जहाँ पे एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। एस होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट में सारी वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा बहुत ही टफ हो जाएगा, इसीलिए हम ये मेथड आज यूज़ नहीं करेंगे। ये मेथड चूज़ करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला लेंगे जहाँ पे अंडर रूट की वैल्यूज़ ना हो। अंडर रूट यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। मेथड टू, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोसाइन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। मेथड टू हम कोसाइन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोसाइन फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा एरिया निकालने के लिए, वो तो एंगल निकालने के लिए होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड्स गिवन है उसका एंगल हमको फाइंड करना होता है तो हम कोसाइन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो कोसाइन फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, तो आइए देखते हैं आज कोसाइन फॉर्मूला यूज़ कैसे होगा। कोसाइन फॉर्मूला होता क्या है, किसी भी एक ट्रायंगल में तीन साइड्स गिवन है तो उसका हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी सी। अगर एंगल ए निकालना है तो हमारा माइनस में स्मॉल ए होगा, अगर एंगल बी निकालना हो तो हमारा माइनस में बी स्क्वायर होगा, बाकी तीनों साइड्स प्लस में होंगी। तो हमारे पास बी गिवन है, सी गिवन है, ए गिवन है, सारी साइड्स की वैल्यू गिवन है, हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो पुट करने पे हमारे पास आ गया रूट थ्री स्क्वायर प्लस रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर टू रूट थ्री इंटू रूट फाइव। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स अपॉन टू रूट फिफ्टीन। अब सिक्स से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन रूट फिफ्टीन। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई थ्री अपॉन रूट फिफ्टीन। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ड्राइव किया था साइन रूल से। तो क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी डिग्री। सी यहाँ पे एंगल है, ए बी साइन सी डिग्री। तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एरिया निकालने के लिए, इसीलिए मैंने कोसाइन फॉर्मूला यूज़ किया, फिर एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तब जाके एरिया निकलेगा। अब हमारे पास कॉस ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कॉस ए हमारे पास है थ्री अपॉन रूट फिफ्टीन। एंड अब फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अब साइन ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए कॉस ए हमारे पास गिवन है तो हम वैल्यू पुट कर दें, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा नाइन अपॉन फिफ्टीन अंडर रूट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट सिक्स अपॉन फिफ्टीन। सिक्स से फिफ्टीन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा टू टाइम्स फाइव। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट टू अपॉन फाइव। हमारे पास एरिया निकालने के लिए सारी वैल्यूज गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे बी सी होगा साइन ए डिग्री, हाफ सारी वैल्यूज हम पुट कर दें। बी है हमारे पास रूट थ्री, सी है रूट फाइव, साइन ए हम निकाल चुके हैं रूट टू अपॉन रूट फाइव, रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके रूट सिक्स अपॉन टू स्क्वायर यूनिट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।